यार मैं काफ़ी मिस कर रहा था पिक्चर्स लेना और वीडियोस बनाना। पहले पहले तो ऐसा होता था, मैं हर दूसरे तीसरे दिन यूनिवर्सिटी चला जाता था। कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता था या कोई भी फंक्शन था कहीं पे, वैसे घुस जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिन से एक तो रूटीन ऐसी हो गई है, मैं इफ्तारी से थोड़ी देर पहले जागता हूँ, इफ्तारी करता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए चला जाता हूँ दोस्तों के साथ। वॉक से वापस आता हूँ तो पहले भी बताया बाबा की केयर के लिए कोई ना कोई एक बंदा जागता रहता है, तो रात के टाइम मैं जागता हूँ और सारी रात बस लैपटॉप के आगे बैठा रहता हूँ। सहरी के टाइम सहरी की और उसके बाद सुबह तक दोबारा वही लैपटॉप वही। मैं सुबह कोई 9-10 बजे मैं सो जाता हूँ और उसके बाद अगेन वही सहरी के टाइम पे उठो और सेम वही लूप। मैं कह रहा था कि लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा यार, तो व्लॉग्स आखिर बनाएं किस चीज़ के भाई। फिर मैंने खुद से कहा भाई कि अपनी रूटीन देख भाई, सिर्फ रात को जागते हैं भाई, रात को आखिर क्या इंटरेस्टिंग ऐसा हो जाएगा जिसका तू व्लॉग बना लेगा? क्या मतलब रात को कोई बैटमैन छत पे आके लैंड करेगा और कैमरा निकलेगा हाँ भी मसेरो गालियो के ब्रूस वेन साहब आए थे? और कह रहा हूँ कि लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा, तो इंटरेस्टिंग खुद से थोड़ी ना होगा, बाहर निकलते हैं अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनाते हैं भाई। मैं तभी पीछे वो देख रहे हो लैपटॉप पे वो जो वेव्स ऐसे ऐसे हो रही हैं वो, हाँ ये ट्रिंग ट्रिंग, हाँ वो ऑडियो उधर रिकॉर्ड हो रही है यार। आई थिंक फ्यूचर तक ही ने ना इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया, इतना सीरियस ले लिया कि भाई चौक में टॉपलेस होकर खड़े हो गए। तो हुआ कुछ यूँ कि भाई हम चौक में खड़े होकर एक शॉट ले रहे थे, तो हमजा का मैंने शॉट लेना था ग्रीन स्क्रीन के साथ। अब उसने जो शर्ट पहनी हुई थी ये शर्ट पहनी हुई थी, तो इसमें काफ़ी ना ग्रीन सा कलर था, तो मैंने कहा भाई ये तो एडिटिंग में प्रॉब्लम करेगा ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करते हुए। अब टाइम कम है, अफ्तारी होने वाली है, सूरज नीचे जा रहा है, लाइट ख़त्म हो रही है और शॉट तो लेना है जल्दी जल्दी। तो उसे फिर कहा कि अब कुछ करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी देख लो क्या देख लो मैं क्या बताऊँ। भाइयों ये देख सकते हैं नाजरीन, ये गलत वीडियो बन रही है। यार तकी बहुत चिट्टा है तू, ओए बहुत चिट्टा है अल्लाह की कसम। यार असल में शॉट लेना था इसका ग्रीन स्क्रीन में, तो इसने ये शर्ट पहनी हुई थी, तो ये बीच में ग्रीन कलर बहुत ज्यादा है, तो हमने फिर जल्दी जल्दी। लेकिन यार एट द एंड भाई हमने इसे एंजॉय किया भाई, यही तो चीज़ थी ना जो मैंने कहा मैं मिस करूं भाई, यही तो है कि भाई आप अपने शौक के लिए, आप वो आपको वो एक शॉट चाहिए, आपने वो कुछ करना है तो उसको करने के लिए उस एक शॉट के लिए आप किस हद तक जा सकते हो, बस यही तो बात है सारी, इसी का तो मज़ा है यार। थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर कर, अब इसको अपनी साइड से ऊपर कर, लेफ्ट साइड से ऊपर कर थोड़ा सा, ये चीज़ ओके हमजा नीचे देख, रेडी सारे रेडी फोकस, आहिस्ता से ऊपर कर ले आ ले आ ले आ ले आ ले आ ले आ, आंखें खोला आराम से, यहीं पे यहीं पे गुड हो गया, चोरी ना करी। थैंक यू भाई, जजाक अल्लाह। इसी तरह एक और शॉट था भाई, वो मैंने लेना था हमजा की, एक पिक्चर मैंने लेनी थी, वो रात को उसके लिए जाना था, और रात को रोज यहाँ पे कुत्ते बड़े बैठे होते हैं यार, बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम, तो माजर गालियों के रात के 10:45 बज रहे हैं और इस वक्त हम शरीफ बच्चों की तरह घर बैठे हुए होते हैं। लेकिन यार मेरे जहन में एक शॉट था पिछले कुछ दिन से जो मैं लेना चाहता था, और लास्ट में मैं रात को घर से बाहर निकलने की कोशिश की, मैं पैदल आ रहा था, अब हमारा घर बड़ी वीरान जगह है ना, उधर से मैं निकला हूँ तो रास्ते में कुत्ते थे, तो वो काफ़ी सारे कुत्ते वहाँ पे खड़े हुए और उन्होंने शोर डाला हुआ, तो मैं ज़रा सा पास हूँ वो भौंकना शुरू कर दे आके मेरी तरफ आए, तो भाई सीधी बात है मैं डर गया और मैं आगे गया ही नहीं, मैं वहीं से वापस आ गया। आज फिर मैं आ रहा था, मैंने हमजा को कॉल की, मैंने कहा तू भी आ जा तेरा शॉट ले दे, आज फिर मैं आ रहा था, आज फिर वहाँ कुत्ते घूम रहे थे वो जिसके ऊपर बड़े बड़े कांटे नहीं होते, वो उधर घूम रही थी तो कुत्ते उसके पीछे लगे हुए, अब मुझे लगा इसके साथ साथ कहीं मुझे भी ना रगड़ दे, तो मैंने ट्राईपॉड पकड़ के ना हाथ में पकड़ लिया, मैंने कहा कोई कुत्ता आए ऐसे ही भाई खींच के मारूंगा, लेकिन आज जाना ज़रूर है। हेलो गाइस, चाय पी लो। वाह मेरे बाल इतने ख़राब हो गए, यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है वैसे। कुत्तों के डर से भाई नहीं जाएगा शॉट लेने, करना है जाएंगे वो भी नहीं अभी ना, देखते 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 देख ट्राई करते हैं। नहीं यार
यार जो चीज चाहिए थी वो आ गई है, एम्बुलेंस ने काम दिखाया यार। जो चीज चाहिए थी एग्जैक्टली वो चीज आ गई है, लेकिन मसला ये है कि वो चीज आई है, उस फ्रेम में बंदा नहीं है हमारा। यार ये देख रहे हो, ये लॉन्ग एक्सपोजर में शॉट ले रहा था ना, तो मैं चाह रहा था गाड़ी को गुजरे और उसकी लाइट्स इस तरह आए, तो ये आई थिंक एम्बुलेंस गुजरी है, तो ये उसकी लाइट्स देखो इतने मजे की आई है। अब इसका एक हल करते हैं ना, एक और पिक्चर में तेरी पिक्चर लेते हैं और दोनों पिक्चर्स को मर्ज कर देंगे, वही करेंगे। यही चीज है यार, इसी का तो सारा मजा है बस। कभी वो एक शॉट लेने के लिए आप सुबह 4 बजे उठते हो भी, मुंह धेरे जाते हो डैम की तरफ एक पिक्चर लेने के लिए सिर्फ, कभी आप पागलों की तरह चौक में कपड़े चेंज करना शुरू कर देते हो, कभी आप 4-5 कुत्तों के सामने ट्राइपॉड स्टैंड लेके खड़े हो जाते हो। तो मासेरो गाली ओके, करो कुछ ना कुछ करो बस, मेक योर लाइफ इंटरेस्टिंग, मेक इट हैपन। वो क्या था कि मुझे बाबा जी का कॉल नहीं आया, लेकिन वो कहते हैं बेटा वेट मत करो अपॉर्चुनिटी के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटी खुद से बनाओ, इसी का तो मजा है सारा। This is I'm doing better now, and that's because of me.